हदीस नंबर 101 देखेंगे। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ये जान लिया कि नमाज हक, फर्ज और वाजिब है तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हदीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसने ये जान लिया नमाज हक है, फ़र्ज है और वाजिब है, उसके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि वो जन्नत में दाखिल होगा। पहली बात इससे ये पता चलती है, जानना, इल्म हासिल करना पहली ज़रूरत है। अगर कोई नमाज का इल्म नहीं रखता, नमाज को हक नहीं जानता, नमाज के बारे में उसके जहन में कन्फ्यूजन है, वो नमाज को अपने ऊपर बोझ समझता है, नमाज के बारे में उसका तसव्वुर, उसका कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है, उससे कैसे तवक्को की जा सकती है कि पूरे दीन के बारे में उसका तसव्वुर दुरुस्त हो सकता है। क्योंकि नमाज तो पहला फेल है, पहला अमल है और दीन के सुतूनों में से है। हदीस से हमें ये पता चलता है दूसरी बात, नमाज को हक जानने वाला। सवाल ये पैदा होता है, नमाज हक है, हक कहते हैं सच्चाई को, हक से ही हकीकत है। क्या आप जानते हैं कि इंसान की जिंदगी की फलाह, उसकी जिंदगी का बैलेंस होना नमाज के साथ जुड़ा हुआ है। आदम के बच्चे, आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे ज़मीन पर सही ज़िंदगी बसर करने के काबिल नहीं हो सकते जब तक के वो नमाज अदा ना करें। इसलिए देखने की ज़रूरत है नमाज क्या है। ये तो आप सब जानते हैं कि नमाज इबादत है, और आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 हमें बताती है, वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के माँ सिवा किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया। तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद इबादत है। कितनी अजीब बात है कि जिसकी ज़िंदगी इबादत के लिए हो, जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही इबादत हो, वो इबादत ही को हक ना जाने, वो इबादत ही को ना समझ पाए। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला की इबादत के लिए तो दूसरी मखलूकात मौजूद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान पर चार उंगली जगह भी ऐसी नहीं है जहां अल्लाह ताला के फरिश्ते उसका जिक्र, उसकी तस्बीह, उसकी इबादत करने के लिए मौजूद ना हो। तो फरिश्ते अगर मौजूद हैं और फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला को तो ज़रूरत नहीं है, फिर ये किसकी ज़रूरत है? अल्लाह ताला की तख्लीक, अल्लाह ताला की मखलूक हज़रत इंसान की ज़रूरत। और अब देखिए कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया नूर से, इताअत गुज़ार मखलूक है, उनकी सरिश्त में नाफरमानी है ही नहीं। अल्लाह ताला ने
जिन्नात को पैदा किया उनकी सरिश्त में सरकशी है, उनका इताअत गुजार होना इंतहाई मुश्किल है, और इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो उसको उसकी नेकी और बदी इल्हाम कर दी। वो नेक भी हो सकता है और फाजिर भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म बनाया तो उसमें अपनी रूह फूंकी है। अब अगर आप देखें तो मिट्टी ज़मीन की है, लेकिन मिट्टी के अंदर रूह का ताल्लुक ज़मीन से नहीं है। और उसूल ये है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है, जो किसी चीज़ की हकीकत हो उसी जानिब वो चीज़ लौटती है। इंसान की असल चूंकि ज़मीन की नहीं है, इसीलिए इंसान, आप भी महसूस करते होंगे कि आपके अंदर भी बेकरारी पैदा हो जाती होगी, परेशानी। कोई वक्त होगा जब आप खुश होते होंगे, लेकिन खुशियों के फौरन बाद ही एक अजीब इंसान को बेचैनी सी लाहक हो जाती है, ऐसे जैसे इंसान का दिल बुझ सा गया हो, इंसान खुश नहीं रहता। फिर खुशी के बाद खुश रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इंसान अपनी असल से जितना कटके रहता है उतना ही ज़्यादा उसका दिल बेकरार रहता। इंसान को करार चाहिए, और करार नमाज में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत कुर्रतुआइनी फिस्सला, नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दिया गया। तो आंखों की ठंडक नमाज में है, ये अल्लाह ताला का एहसान है, ये उसका करम है, ये उसकी रहमत है कि उसने अपने ख़ास फजलो करम से इंसान की बेकरारियों को करार अता करने के लिए नमाज को फ़र्ज किया। अब आप देखिए कि आप सुबह उठते हैं, आपको भूख लगती है, आप नाश्ता करते होंगे, आपके जिस्म की ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे वजूद के अंदर रूह फूंकी है, उसकी भी नीड है, और उसकी नीड ज़मीन की किसी चीज़ से पूरी नहीं हो सकती। उसकी नीड, उसकी ज़रूरत तब पूरी होती है जब रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला से कायम हो जाता है, और ये ताल्लुक नमाज में कायम होता है। नमाज के बगैर इंसान अच्छी सुबह गुजार नहीं सकते। आप कह सकते हैं कि बहुत लोग हैं जो सुबह उठते हैं, अपने काम करते हैं और बड़े एक्टिवली तैयार होते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई पढ़ाने जाता है, कोई पढ़ने जाता है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, सुबह हर एक की भाग दौड़ लगी होती है। भाग दौड़ ज़रूर होती है, करार तो नहीं होता, सुकून तो नहीं होता। और ये कि इंसान मशीन तो नहीं है कि उसे मशीन की तरह सिर्फ मूव करना है। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, उसे अल्लाह ताला ने अक्ल अता की है, अपनी रूह फूंकी है, उसे जिस्म अता किया है, उसकी ज़िंदगी का बैलेंस नमाज के ज़रिए कायम होता। हर सब जब आप उठते हैं और आप जिस वक्त वुजू करते हैं, पाक होने के लिए आप किस तरह से अपने आप को गंदगी से साफ करते हैं, किस तरह अपने हाथों को धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, आप अपना नाक झाड़ते हैं, मुंह धोते हैं, बाजू धोते हैं, सर का मसा करते हैं, कानों का मसा करते हैं, पांव धोते हैं, और आप देखें कि ज़ाहरी जितने खुले अज़ा हैं जब धुल जाते हैं, जब मसा कर लेते हैं, तो आप पूरे तरीके से ज़ाहरी तौर पर भी पाक हो जाते हैं, लेकिन असलन उसका इफ़ेक्ट इंसान की रूह पर भी होता, उसका असर होता है। फिर जब आप
नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, जब आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अब तो समझते हैं। आप कहीं कॉल करते हैं, जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आप बातचीत कर सकते हैं। जब आप डिसकनेक्ट हो जाते हैं तो आप जो मैसेज देना चाहते हैं, जो बातचीत करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसका सिस्टम मुमकिन ही नहीं होता। दुनिया में लोगों के साथ ताल्लुक़ की अपनी नौइयत है, लेकिन आसमान वाले के साथ ताल्लुक़ की अपनी नौइयत है। आसमान वाले के साथ जब बंदे का रिश्ता कायम होता है, उसके बाद उसके अंदर तब्दीली आती है, और ये कितनी बड़ी तब्दीली है। इंसान अगर नमाज पर गौर करे, सबसे पहले जब आप जाए नमाज पर खड़े होते हैं, उस वक्त अल्लाहु अकबर कहते हैं। अब सोचिए किस तरह से पाकीज़गी नसीब होती है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। रात में क्या हो गया जो सुबह उठते ही अल्लाहु अकबर कहा है? रात तो सोए थे, सुबह उठते ही इसकी ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा इंसान को लाहक है इबलीस से, और इबलीस ख़ुद भी तकब्बुर में मुब्तला हुआ था, और इबलीस इंसान को भी तकब्बुर में मुब्तला करने की कोशिश करता है। इंसान जब खुद पसंद बनता है, खुद परस्त बनता है, खुद गर्ज बन जाता है। अल्लाह अकबर क्या है? खुदा परस्ती है। खुद परस्ती से खुदा परस्ती तक का सफ़र है अल्लाह अकबर कहना, और खुद गर्जी से बेगर्जी तक का सफ़र है, और जिस तरह से इंसान अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेता है और अल्लाह ताला की सना बयान करता है और अल्लाह ताला से सीधे रास्ते पर चलने के लिए हिदायत तलब करता है और अल्लाह ताला से ये दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे मग़ज़ूब लोगों के और ऐसे लोगों के रास्ते पर न चलाना जो गुमराह हो गए, या अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलाना। जब रुकू में जाता है अल्लाह ताला की ताज़ीम, जब रुकू से खड़ा होता है तो कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ताला ने सुन ली उसकी बात जिसने उसकी हम्द बयान की। ये कितना खूबसूरत तरीका है, खुद ही बात है, खुद ही जवाब है, यकीन का सफ़र है। क्या इंसान को यकीन की ज़रूरत नहीं है? बेयकीनी तो इंसान का हुलिया बिगाड़ के रख देती है। क्या बेयकीनी डिप्रेशन का सबब नहीं है? दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। ये नमाज इंसान को ज़ात की दलदल से निकालती है और कायनात के बादशाह से उसका ताल्लुक़ कायम करती है। तो जो नमाज की हकीकत को समझ जाता है, नमाज को हक समझता है कि इस नमाज की वजह से मेरी रियलिटी बरकरार रहेगी, मेरा बादशाह कायनात से सिलसिला जुड़ा रहेगा, तो मेरी ज़िंदगी दुरुस्त रहेगी। आप देखिए इसका मामला ऐसा ही है जैसे आपका मोबाइल चार्ज होता है तो आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, चार्जिंग की ज़रूरत तो है ना। आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो आप उसी मोबाइल को पत्थर से ज़्यादा क्या वैल्यू देंगे? जो मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब देखिए वक्त कितना दरमियान में गुजरता है, फजर के बाद जोहर, जोहर का वक्त आता है, आपको फिर चार्ज होने की ज़रूरत पेश आती है, बदन को भी थोड़ा थकावट फील होती है, भूख लगती है, आप कोई ना कोई चीज़ हल्का फुल्का या ज़्यादा अपने बदन को ग़िज़ा फराम करते हैं ताकि बदन को कुव्वत मिले और बदन चलने के काबिल हो जाए। इसी तरह से आपकी रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है और उसके लिए ज़ोहर की नमाज़। यूँ ही दिन में 5 औकात हैं, रात सोने तक आखिरी अमल नमाज होना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी है।
जो नमाज की हकीकत को समझ जाता है, नमाज को हक समझता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि उसका टाइम टेबल बन गया ना। अब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ये दो औकात हैं जिनके दरमियान जो भी टाइम टेबल बनेगा उन नमाजों के इर्द गिर्द बनेगा, नमाजों के औकात के साथ, यानी डिफरेंट स्लॉट्स हैं जिसमें ज़िंदगी तकसीम हो जाएगी। फिर हफ्ते के बाद यानी एक वीक के बाद जब जुमा आता है तो जुमे की नमाज है, ये मुसलमानों की एक छोटी सी ईद है, खुशी का दिन है, और इसमें मुसलमान जुमे का खुतबा सुनते हैं, जुमे की नमाज़ अदा करते हैं, जुमे के दिन दुआएं करते हैं, जुमे के दिन दुरूद भेजते हैं, जुमे के दिन आपस में मिलते हैं और यूँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल लाइफ के लिए ये कितना खूबसूरत लाइफस्टाइल है। तो जो नमाज को हक समझता है, जो नमाज को फ़र्ज समझता है, वाजिब समझता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुशखबरी दी है कि वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। तो जन्नत में दाखला नमाज के बगैर मुमकिन नहीं है। हम बहुत सारी हदीस के हवाले से देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि जो शख्स, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में किस तरह से हमें मुख्तलिफ एतबार से तलकीन की है, मुख्तलिफ एतबार से एहसास दिलाया है, जन्नत में दाखला कोई सादा सी बात नहीं है। जन्नत जिसको नसीब नहीं होगी, जहन्नम उसकी मुंतजर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में एक घर बना रखा है, एक घर उसका जहन्नम में भी बना रखा है। तो जो जन्नत जाने वाले अमल करता है उसके लिए जहन्नम का घर ख़त्म हो जाता है और जन्नत का घर वसत वाला हो जाता है, और जो जहन्नम जाने वाले अमल करता है उसका जन्नत का हिस्सा ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से तो दोनों तरह के चांसेस मौजूद हैं, दोनों जगह पे जाना इंसान के लिए मुमकिन है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमारे लिए इतना खूबसूरत दीन रखा जिसकी वजह से हम इस ज़िंदगी के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए अमल करते हैं और आने वाली ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ताला से सौदा करते हैं, अपनी जान का, अपने माल का, और अल्लाह ताला फिर उस सौदा करने पर खुशखबरी देते हैं। खुशखबरी है जन्नत की, फस्तब शिरू बिबाईकुम, अपने सौदे पर खुशियाँ मनाओ जो तुमने अल्लाह ताला से किया है। आप यूँ समझ लीजिए, एक और एतबार से देखिए, हर इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात से जो ताल्लुक़ है, इंसान उसे जाने या ना जाने, इंसान उसको तस्लीम करे या ना करे, ताल्लुक़ तो है। कितने ही बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को अपना तस्लीम नहीं करते, वो उनसे डिसकनेक्ट हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप से इतने नाराज़ हो जाते हैं। कितने ही माँ बाप हैं, आप लाहौर शहर में देखिए कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल दिया है, वो ओल्ड होम्स में रहते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि कोई मर भी जाए ना तो माँ बाप से उसका रिश्ता ख़त्म नहीं होता। ऐसे ही कोई अल्लाह ताला का इनकार भी कर डाले ना, अल्लाह ताला से रिश्ता ख़त्म नहीं होता। तो अल्लाह ताला से हर इंसान का एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है। इस ताल्लुक के साथ ही, इस ताल्लुक को मजबूत बनाकर ही इंसान अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकता है। सेहतमंद ज़िंदगी का कोई तसव्वुर इसके बगैर मुमकिन नहीं है।
आपका जिस्म सेहतमंद हो जाए आप पहलवान हो सकते हैं, आपकी रूह अगर जिस्म के साथ कुव्वत नहीं पकड़ती तो आप बीमार हो सकते हैं, आप रूहानी तौर पर कमज़ोर हो सकते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, आप नॉर्मल ज़िंदगी बसर करने के काबिल नहीं रहते। तो नमाज नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका कार है, नमाज एक लाइफस्टाइल है। नमाज अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, अल्लाह ताला ने आसमानों पर बुलाकर ये तोहफा दिया था। जो नमाज की हकीकत को जान लेता है, जो नमाज को समझ लेता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि उसकी नमाज उसे बुराइयों बेहयाइयों से रोकती है। उसकी नमाज दिन में 5 बार उसे एहसास दिलाती है अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल अज़ीम। इंसान को 5 बार ये मैसेजेस मिलते हैं कि उसकी अना कोई चीज़ नहीं, दुनिया में कोई बड़ा नहीं, किसी के पास वो कुव्वत नहीं, किसी का वो इख्तियार नहीं, किसी का वो ज़ोर नहीं है जो ज़ोर अल्लाह ताला के पास है। तो इंसान जब उससे कनेक्ट हो जाता है तो उसके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी बीमारी, उसका नुकसान, माली खसारा या उसके ताल्लुकात जो हैं फौरन नमाज पढ़ते ही हर चीज़ ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगी। इसका मतलब ये कि उसे वो कुव्वत मिलेगी जिसकी वजह से वो हालात का मुकाबला कर सकता है, जिसकी वजह से वो दुनिया में रहने के काबिल हो सकता है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ और गम आते हैं, दोनों ही ज़िंदगी के साथ हैं, लेकिन खुशियाँ हो या गम, इंसान को एक रवैया इख्तियार करना पड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का हाल भी कितना अजीब है, बंदे मोमिन का हाल भी कितना अजीब है, जब उसे खुशी मिलती है शुक्र अदा करता है और अजर पाता है, और जब उसे गम मिलता है सब्र करता है और अजर पाता है। तो नमाज इंसान को जीने का ढंग सिखाती है, उसको बैलेंस करती है, अगर वो मुसीबत में हो सब्र करने के काबिल हो जाता है, अगर उसे नेमतें मिलें तो शुक्र अदा करने के काबिल हो जाता है, नमाज की वजह से वो अल्लाह का जिक्र करने के काबिल हो जाता है, नमाज की वजह से वो अपने रब पर तवक्कुल करने के काबिल हो जाता है, नमाज की वजह से उसकी उम्मीद बनती है, नमाज की वजह से वो दुनिया से बेखौफ हो जाता है, एक अल्लाह का खौफ उसके दिल में समा जाता है। ये नमाज है जिसकी वजह से वो अपना हिसाब किताब करना सीखता है, ये नमाज है जिसकी वजह से उसे सुकून और करार मिलता है, ये नमाज है जिसकी वजह से वो सही ज़िंदगी गुजारने के काबिल होता है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नमाज की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए।